Good morning friends. Thermal engineering and heat transfer ME303 जो subject है उसमें हमारा जो next topic है that is the steam turbine. Steam turbine के बारे में हम क्या करेंगे इसके अंदर study करेंगे. Steam turbine जो topic है इसके अंदर हम different topics है उसके बारे में क्या करेंगे study करेंगे जिसमें classification and application of steam turbine. Next principle and operation of impulse and reaction turbine, compounding of turbines, velocity diagram, work done and efficiency of D-level turbine and partial turbine, reheating of steam, blading of steam, lubrication system for steam turbines, blade material and defect and the blades. In various topic के बारे में हम क्या करेंगे study करेंगे. इनको मैंने काफी अपने आने वाले lectures में भी cover किया है. तो आज हम जो सबसे पहले इस topic में discuss करेंगे that is the classification of steam turbine. Classification of steam turbine को समझने से पहले हम पहले basically steam turbine के बारे में समझे कि what is the steam turbine. जैसे हमने पहले भी study कर रखा है हमको मालूम है what is the steam turbine. Steam turbine is a prime mover which convert the high pressure and high temperature energy of steam into mechanical work which is utilized for power generation. हम क्या कह रहे हैं? Steam turbine, it is a prime mover which convert the high pressure and high temperature energy of steam into mechanical work which is utilized for power generation. तो steam turbine जैसे कि हम जानते हैं steam turbine के अंदर steam क्या करती है? Inlet से enter करती है और जो स्टीम आती है उसका प्रेशर और टेंपरेचर क्या होता है? ज्यादा होता है. जो कि बॉयलर से जनरेट होती है उसका प्रेशर और टेंपरेचर क्या होता है? ज्यादा होता है. तो इट इज अ प्राइम मूवर व्हिच कन्वर्ट द हाई प्रेशर एंड हाई टेंपरेचर एनर्जी ऑफ स्टीम. तो बॉयलर से जो हमारी स्टीम आ रही है उसका प्रेशर और टेंपरेचर ज्यादा है इसलिए उसकी एनर्जी भी क्या है? ज्यादा है. तो जब ये हाई प्रेशर और टेंपरेचर की जो हाई एनर्जी की जो स्टीम है टर्बाइन के अंदर एंटर करती है तो टरबाइन की ब्लेड पर क्या करती है? वो स्ट्राइक करती है. ये टरबाइन की ब्लेड्स है इस पर क्या करती है? स्ट्राइक करती है. तो उसकी वजह से क्या करता है हमारा टरबाइन का जो रोटर है ये क्या टरबाइन का रोटर है वो क्या करता है? रोटेट करता है. तो जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम जो है टरबाइन की ब्लेड पर स्ट्राइक करती है तो टरबाइन क्या करता है टरबाइन का रोटर क्या करता है? रोटेट करता है. और ये जो टरबाइन है इस टरबाइन के इनलेट पे क्या लगा रहता है? नोजल लगा रहता है. तो नोजल क्या है? एक तरह से इसका इंट्रीगल पार्ट है. तो नोजल में से जब स्टीम पास होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है? ड्रॉप होता है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तब जब ये हाई प्रेशर जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाली जो स्टीम है इस टरबाइन के ब्लेड पर क्या करती है? स्ट्राइक करती है तो टरबाइन का रोटर क्या करता है? रोटेट करता है और हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है. तो हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया? इट इज द प्राइम मूवर विच कन्वर्ट द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एनर्जी ऑफ स्टीम इंटू मैकेनिकल वर्क. और जब टर्बाइन से हमको मिलेगा वर्क मिलेगा और टर्बाइन से क्या जुड़ा हुआ है? जनरेटर जुड़ा हुआ है. तो हमको क्या करेगा? पावर जनरेट करेगा विच इज यूटिलाइज फॉर द पावर जनरेशन. तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन जो है इस टेक प्लेस इंटू स्टेप्स. तो ये दो तरह से होता है. एक तो एनर्जी कन्वर्जन किसमें हो रहा है? तो नोजल में हो रहा है कि जो प्रेशर एनर्जी है जो प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. किसके अंदर? नोजल के अंदर. दूसरा ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है इन द टर्बाइन ब्लेड मूविंग ब्लेड के अंदर. तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन है जो स्टीम बॉयलर से जो स्टीम आ रही है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा है इसकी एनर्जी क्या ज्यादा है उसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है? मैकेनिकल वर्क में टू स्टेप में. कैसे? एक तो नोजल में हो रहा है जिसमें कि क्या हो रहा है ये जो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है हाईली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. दूसरा ये जो टर्बाइन की ब्लेड्स है मूविंग ब्लेड पर जब स्ट्राइक करती है तो हमारा टर्बाइन का रोटर क्या करता है? रोटेट करता है. तो हमको ऐसे क्या मिलता है? मैकेनिकल वर्क मिलता है. तो दो स्टेप के अंदर इस एनर्जी का क्या होता है? कन्वर्जन होता है. और टर्बाइन जब रोटर रोटेट करेगा तो उससे जुड़ा हुआ जो जनरेटर होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा.
तो ये बेसिकली क्या है, स्टीम टर्बाइन का बेसिक कंसेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन को स्टडी करते हैं कि स्टीम टर्बाइन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। देयर आर वेरियस फैक्टर, काफी सारे फैक्टर है जिसके आधार पर स्टीम टर्बाइन का क्या किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला ए है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, कि ऑपरेशन और वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर स्टीम टर्बाइन को हम बेसिकली दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला तो है इंपल्स टर्बाइन, दूसरा है रिएक्शन टर्बाइन। जो इंपल्स टर्बाइन होता है, इसमें जो टर्बाइन का जो वर्क मिलता है, टर्बाइन का जो वर्क मिलता है ड्यू टू द ओनली इंपल्स इफेक्ट की वजह से मिलता है, जिसको कि हम V1 square minus V2 square by 2 के थ्रू शो कर सकते हैं। तो जो इंपल्स टर्बाइन होता है, इसमें जो टर्बाइन का इंपल्स टर्बाइन के अंदर जो वर्क आउटपुट हमको मिलता है, वह ड्यू टू द ओनली इंपल्स इफेक्ट की वजह से मिलता है, V1 square minus V2 square by 2। जबकि और अपन इसको यह भी कह सकते हैं कि ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम जो होती है, स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी वजह से हमको क्या मिलता है, इंपल्स इफेक्ट मिलता है, उसकी वजह से हमको क्या मिलता है, टर्बाइन के अंदर आउटपुट मिलता है। दूसरा क्या है, रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन के अंदर जो वर्क टर्बाइन का जो वर्क होता है वो ड्यू टू द ओनली रिएक्शन की वजह से मिलता है। मींस जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है V r2 का स्क्वायर माइनस V r1 का स्क्वायर बाय 2, इस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से हमको क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन और वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर टर्बाइन को दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि जो इंपल्स टर्बाइन है, इसके अंदर टर्बाइन का वर्क ड्यू टू ओनली इंपल्स इफेक्ट की वजह से होता है, और रिएक्शन टर्बाइन के अंदर जो वर्क टर्बाइन का जो वर्क है ड्यू टू द ओनली रिएक्शन की वजह से है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो इंपल्स टर्बाइन होता है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि इंपल्स टर्बाइन जो होता है, इसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है ओनली नोजल में होता है, और जो मूविंग ब्लेड होता है उसके अंदर कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। जबकि रिएक्शन टर्बाइन के अंदर जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो मूविंग नोजल में भी हो रहा है और मूविंग ब्लेड में भी हो रहा है। तो हम आगे इसको के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। सेकंड जो है, दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड के बेसिस पर कितने प्रकार के हैं, देखिए फर्स्ट, इसमें फर्स्ट है सिंगल प्रेशर स्टीम टर्बाइन। सिंगल प्रेशर स्टीम टर्बाइन, तो जैसे कि इसमें हमने डायग्राम भी बना रखा है कि इसमें जो टर्बाइन के अंदर जो स्टीम आती है वो एक सिंगल प्रेशर पर आ रही है, सिंगल लाइन के थ्रू आ रही है। दूसरा है डुअल प्रेशर स्टीम टर्बाइन, इसमें टर्बाइन के अंदर जो स्टीम आ रही है वो टू लाइन से आ रही है, अलग अलग प्रेशर पर आ रही है, टू लाइन से आ रही है। और थर्ड वन इज द रीहीटर टाइप। रीहीटर टाइप में क्या है कि टर्बाइन है, टर्बाइन के अंदर स्टीम आई है, इस स्टीम में से कुछ पार्ट क्या निकाल लिया जाता है, स्टीम का निकाल लिया जाता है, उसको दोबारा से क्या कर दिया जाता है, रीहीट करने के लिए भेज दिया जाता है, और रीहीट करके वापस टर्बाइन के अंदर भेज दिया जाता है। फिर उससे कंप्लीटली क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट सप्लाइड कितने भागों में इसको क्लासिफाई किया गया, सिंगल प्रेशर स्टीम टर्बाइन, जैसे कि नाम से पता है सिंगल प्रेशर स्टीम टर्बाइन। तो टर्बाइन के अंदर जो इनलेट पर एक सिंगल प्रेशर पर स्टीम आ रही है। दूसरा डुअल प्रेशर स्टीम टर्बाइन, तो इसमें जो टर्बाइन के अंदर जो स्टीम आ रही है वो दो लाइन से आ रही है, अलग अलग प्रेशर पर आ रही है। तीसरा क्या है, रिएक्टर टाइप। रिएक्टर टाइप क्या है, जो सिंपल हमारा जो टर्बाइन है उसमें स्टीम आ रही है, उसमें से स्टीम क्या हो गया, कुछ स्टीम को क्या निकाल लिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, उसको रीहीट करने के लिए भेज दिया जाता है, और रीहीट करके वापस टर्बाइन के अंदर भेज दिया जाता है। फिर उससे क्या क्या करते हैं, कंप्लीटली आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हीट सप्लाइड। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिजेक्शन। टर्बाइन से जो स्टीम निकलती है उसके बेसिस पर, हीट रिजेक्शन के बेसिस पर इसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। इसमें पहला है पास आउट टर्बाइन। पास आउट टर्बाइन क्या है, पास आउट टर्बाइन में क्या होता है, एग्जिट ऑफ स्टीम इज यूज इन प्रोसेस प्लांट। इस पास आउट टर्बाइन में क्या होता है कि टर्बाइन से जो भी स्टीम निकलती है उसमें से
कुछ पार्ट जो स्टीम का है उसको किसमें यूज किया जाता है, प्रोसेस प्लांट के अंदर यूज किया जाता है। तो ऐसे टर्बाइन यहां पे कि एग्जिट ऑफ द स्टीम कहां यूटिलाइज किया जा रहा है, प्रोसेस प्लांट सॉरी प्रोसेस प्लांट के अंदर यूटिलाइज किया जा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, पास आउट टर्बाइन बोलते हैं। सेकेंड है रीजनरेटर टर्बाइन। रीजनरेटर टर्बाइन क्या है कि जो बॉयलर से जो स्टीम आती है जो कि टर्बाइन में जाती है उसमें से हम क्या करते थे, टर्बाइन में विभिन्न चैनल से क्या करते हैं, स्टीम निकालते हैं। और ये स्टीम को कहां से पास करते हैं, हीटर से पास करते हैं। हीटर में क्या होता है, जो पानी होता है वो डिफरेंट पाइप से फ्लो हो रहा होता है और जो टर्बाइन से जो स्टीम आती है उसकी वजह से पानी क्या होता है, हीटर के अंदर गर्म हो जाता है। वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और उस पानी को क्या कर देते हैं, हम बॉयलर में भेज देते हैं, जिससे कि बॉयलर में जो पानी जो कि स्टीम में कन्वर्ट होता है उसको गर्म करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए लेस हीट क्या करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है। तो जैसे हमने बता रखा है जिस टर्बाइन से हमने दो चैनल्स निकाल लिए, मतलब इसमें से स्टीम, इसमें से एक तो स्टीम का पाथ इसमें से निकाल लिया, एक स्टीम का पाथ इसमें से निकाल लिया, उसको क्या कर रहे हैं, हम दो हीटर में से पास कर रहे हैं। दोनों हीटरों में क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, उन पानी को क्या किया जा रहा है, इस स्टीम की सहायता से क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है और गर्म पानी को क्या किया जा रहा है, बॉयलर में भेजा जा रहा है, जिससे कि बॉयलर के अंदर क्या होगा, जब उस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना होगा तो हमको लेस फ्यूल क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, रीजनरेटेड टाइप टर्बाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिजेक्शन जो है दो प्रकार के हो गए, एक तो पास आउट टर्बाइन और दूसरा रीजनरेटर टाइप टर्बाइन। इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज द कंडेंसिंग टर्बाइन। कंडेंसिंग टर्बाइन में क्या होता है कि जो टर्बाइन से जो स्टीम बाहर निकलती है एक्सपेंशन होने के बाद में, उसको किससे पास किया जाता है, कंडेंसर से पास किया जाता है। तो कंडेंसर क्या कर देता है, उस स्टीम को कंडेंस कर देता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप का टर्बाइन जिसके कि टर्बाइन से निकलने वाली स्टीम को कंडेंसर से पास किया जाता है और कंडेंसर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और वापिस साइकिल में भेज देता है आगे पंप के थ्रू बॉयलर में भेज देता है, तो ऐसा टर्बाइन क्या है, कंडेंसिंग टर्बाइन है। नेक्स्ट है हमारे पास में नॉन कंडेंसिंग टर्बाइन। नॉन कंडेंसिंग टर्बाइन कैसा होता है, जिसमें कि टर्बाइन से निकलने वाली स्टीम को क्या कर दिया जाता है, ओपन एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है, आगे किसी कंडेंसर में नहीं भेजा जा रहा, उसको टर्बाइन से निकलने वाली स्टीम को क्या कर दिया जाता है, ओपन एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर। किसी पावर प्लांट के अंदर जो बॉयलर से निकलने वाली जो स्टीम है उसको हम अपन क्या करते हैं, डिफरेंट टर्बाइन में भेजते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया, जैसे सिंगल सिलेंडर टर्बाइन, तो बॉयलर से निकलने वाली स्टीम को अगर मैं सिलेंडर टर्बाइन के अंदर भेज रहा हूं और वो एक सिंगल टर्बाइन है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल सिलेंडर टर्बाइन कहलाएगा। जैसे टर्बाइन है, इस टर्बाइन के अंदर मैंने स्टीम भेजी जो कि बॉयलर से आ रही है और ये एक्सपांशन होने के बाद में टर्बाइन से बाहर निकल रही है, तो एक सिंगल टर्बाइन में से पास हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सिलेंडर टर्बाइन। इसी तरह से अनोदर क्या है, मल्टी सिलेंडर टर्बाइन। इसमें क्या है, अगर हम टर्बाइन को देखें तो टर्बाइन के अंदर स्टीम आ रही है, कहां से आ रही है, बॉयलर से आ रही है, और फिर वो क्या हो रहा है, दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक तो लेफ्ट साइड में जा रही है, एक राइट साइड में जा रही है। तो ये मल्टी सिलेंडर हो गया, एक सिलेंडर का पार्ट ये हो गया टर्बाइन का पार्ट, दूसरा टर्बाइन का पार्ट ये हो गया। तो इस टर्बाइन के क्या हो गए, दो पार्ट हो गए, एक स्टीम जो बॉयलर से जो स्टीम आ रही है वो वन लेफ्ट साइड में जा रही है, अदर क्या जा रही है, राइट साइड में जा रही है। तो एक तरह से वो टर्बाइन के टू पार्ट्स के अंदर जा रही है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, टू सिलेंडर टर्बाइन, इसको अपन मल्टी सिलेंडर टर्बाइन बोल रहे हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर हो गया, तो सिंगल सिलेंडर हो गया, मल्टी सिलेंडर हो गया। इसी के बेसिस पे इसको और क्लासिफाई किया गया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। इसमें दो तरह के, सिंगल फ्लो और डबल फ्लो। तो अगर हम सिंगल सिलेंडर की बात करते हैं जिसमें कि बॉयलर से आने वाली स्टीम क्या कर रही है, टर्बाइन में, टर्बाइन से एक्सपांड होकर के निकल रही है, तो एक सिंगल सिलेंडर में जा रही है, तो इसमें क्या हो गया, सिंगल फ्लो हो गया। इसी तरह से मल्टी सिलेंडर की बात करें अगर, जिसमें कि बॉयलर से जो स्टीम आ रही है वो सिलेंडर, बॉयलर से जो क्या कहते हैं, स्टीम आ रही है टर्बाइन के अंदर, वो दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक तो लेफ्ट साइड के अंदर, एक राइट साइड के अंदर। तो ये दो टू फ्लो हो गया इसका, एक लेफ्ट साइड के अंदर, एक राइट साइड के अंदर। तो ये क्या कहलाएगा, डबल फ्लो हो गया। तो सिंगल सिलेंडर में तो क्या हो गया, सिंगल फ्लो हो गया, और मल्टी सिलेंडर के अंदर क्या हो गया, ये डबल फ्लो हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो दो टाइप के अपने पास पर टर्बाइन हो गए, एक तो सिंगल फ्लो और अनदर वन इज द डबल फ्लो। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, अनदर वन इज द शाफ्ट ओरिएंटेड बेसिस। तो स्टीम टर्बाइन का क्लासिफिकेशन किया गया है किसके आधार पर, शाफ्ट ओरिएंटेशन के बेसिस के आधार पर दो तरह के हो गए, एक तो हो गए टैंडम कंपाउंड, TANDEM, टैंडम कंपाउंड, जिसको कि अपन TC से बता रहे हैं, और दूसरा है क्या, क्रॉस कंपाउंड दैट इज अ CC।
तो शाफ्ट ओरिएंटेशन के बेसिस पर दो तरह के टर्बाइन बताए गए हैं, टेंडम कंपाउंड दैट इज अ टीसी और अनदर वन इज द क्रॉस कंपाउंड दैट इज अ सीसी। तो फर्स्ट पर हम समझते हैं कि टेंडम कंपाउंड जिसको कि हम टीसी से बता रहे हैं ये क्या होता है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने एक तो एचपीटी हाई प्रेशर टर्बाइन बनाया है, बीच में हमने आईपीटी दैट इज द इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन बनाया है, और इसके बाद में हमने क्या बनाया एलपीटी दैट इज अ लो प्रेशर टर्बाइन बनाया है। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एचपीटी आईपीटी और एलपीटी है इनका एक क्या है, एक सिंगल रोटर है, ये क्या है एक सिंगल रोटर है, और इस सिंगल रोटर को हमने क्या कर दिया है जनरेटर से ज्वाइन कर दिया है। तो टेंडम कंपाउंड मींस टीसी के अंदर क्या होता है, एक सिंगल रोटर से एक जनरेटर क्या होता है अटैच होता है, सिंगल रोटर से एक सिंगल जनरेटर क्या होता है अटैच होता है। इसको अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें टेंडम कंपाउंड को, मान लीजिए मेरे को एग्जांपल ले लिया दैट इज अ टीसी 2F और 32, मैंने लिख दिया इसका नोमेनक्लेचर किया है, इसमें टीसी तो क्या है टेंडम कंपाउंड टर्बाइन, और 2F क्या है, 2F का मतलब क्या है डबल फ्लो, नंबर फ्लो कितने डबल, जैसे स्टीम यहां से इंटर एलपीटी के अंदर स्टीम यहां से आई और दो भागों में इधर इधर चली गई, एलपीटी में स्टीम आई और इधर चली गई तो दो भागों में, नंबर ऑफ फ्लो क्या इसके अंदर डबल है। और 32 किसको शो कर रहा है, हाइट ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स, तो ये जो हाइट मैंने यहां शो की है कितनी है 32 क्या है इंचेस के अंदर है, तो ये क्या है टर्बाइन की ब्लेड को क्या कर रहा है शो कर रहा है। तो टीसी 2F32 इसके द्वारा हम क्या कर देख सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं कि किस टाइप का टर्बाइन है। तो जैसे टीसी हम देखते हैं समझ सकते हैं कि टेंडम कंपाउंड टाइप टर्बाइन है, इसका मतलब होगा कि सिंगल रोटर से शाफ्ट जनरेटर के अटैच्ड है। दूसरा 2F से हमको पता चल गया कि ये डबल फ्लो टाइप से टर्बाइन है, जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है उसके अंदर टर्बाइन का जो टर्बाइन में जो स्टीम का फ्लो वो कैसा है डबल टाइप से। और दूसरा 32 से मतलब क्या हो गया, इसकी जो हाइट है टर्बाइन की जो ब्लेड्स है उसकी जो हाइट है कितना 32 है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि टेंडम कंपाउंड किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। दूसरा क्या है क्रॉस कंपाउंड को हम किससे शो कर रहे हैं, सीसी से शो कर रहे हैं। तो इसको हम समझने के लिए एक डायग्राम बनाया हमने, जैसे एचपीटी हाई प्रेशर टर्बाइन, इससे हमने क्या जोड़ दिया आईपीटी इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन जोड़ दिया, इन दोनों का एक सिंगल रोटर है, इस सिंगल रोटर से मैंने क्या कर दिया एक जनरेटर अटैच कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों का एक सिंगल जो रोटर था उससे मैंने क्या कर दिया एक जनरेटर अटैच कर दिया। आईपीटी से निकलने वाली जो स्टीम है उसको हम क्या कर रहे हैं दो एलपीटी से पास कर रहे हैं, तो आईपीटी से स्टीम जो एक्सपांड होकर के आई उसको हमने एक फर्स्ट एलपीटी से पास कर दिया और अनदर एलपीटी से पास कर दिया। तो जो फर्स्ट एलपीटी में आ रही है तो फिर वापिस क्या कर रही है डबल फ्लो के थ्रू इस टर्बाइन से पास हो रही है लेफ्ट वाले एलपीटी से। उसी तरह जो राइट साइड में जो स्टीम आ रही है इस एलपीटी के अंदर वो भी क्या हो रही है डबल फ्लो के थ्रू इसके अंदर एक्सपांड हो रही है, और इन दोनों एलपीटी को हमने क्या कर दिया एक अनोदर जनरेटर से क्या कर दिया अटैच कर दिया। तो जो दोनों अनोदर जो एलपीटी है इनका एक सिंगल रोटर है उसको हमने किससे कर दिया जनरेटर 2 से अटैच कर दिया। तो क्रॉस कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि दो तो हमारे पास में क्या रोटर है रोटर 1 और रोटर 2, रोटर 1 भी जनरेटर 1 से अटैच्ड है और रोटर 2 भी जनरेटर 2 से अटैच्ड है सेपरेटली। तो इस टाइप का जो टर्बाइन है मींस क्रॉस कंपाउंड जो टर्बाइन है इसमें क्या हो रहा है सिंगल रोटर से एक सिंगल जनरेटर अटैच्ड है, अनोदर सिंगल रोटर से अनोदर जनरेटर अटैच्ड है, तो एक से ज्यादा रोटर से एक से ज्यादा जनरेटर क्या है सेपरेटली अटैच्ड है। जबकि टेंडम कंपाउंड में क्या होता है एक सिंगल रोटर से सिंगल जनरेटर होता है, उसमें एक सिंगल ही रोटर है और सिंगल ही क्या है जनरेटर है। बट जो क्रॉस कंपाउंडिंग है उसमें क्या एक सेपरेट रोटर से एक ही सिस्टम के अंदर सेपरेट रोटर से सेपरेट जनरेटर क्या है अटैच्ड है। तो ये डिफरेंस हो गया शाफ्ट ओरिएंटेड बेसिस के अंदर जो क्लासिफाई किया हमने टेंडम कंपाउंड और क्रॉस कंपाउंड वाले। जो क्रॉस कंपाउंड जो टर्बाइन है उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे सीसी 4F32, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने ये शो कर दिया, तो सीसी किसको शो कर रहा है क्रॉस कंपाउंड को, 4F क्या कर रहा है नंबर ऑफ फ्लो के, जो फाइनल जो टर्बाइन से आउटपुट मिल रहा है अगर हम देख सकते हैं तो फाइनल टर्बाइन से जो हमको आउटपुट मिल रहा है इसके अंदर कितना है दो फ्लो इसके अंदर है तो इसके अंदर कितना होगा टोटल फ्लो हो गया 4 फ्लो हो गए, तो ये क्या हो गया 4 फ्लो हो गया। और 32 क्या हाइट ऑफ द टर्बाइन ब्लेड है।
32 क्या है, हाइट ऑफ द टर्बाइन ब्लेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कंपाउंड को इस तरह से क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन को समझा, जिसमें कि डिफरेंट पैरामीटर आए, जिसके बेसिस पर हमने क्या किया, स्टीम टर्बाइन को क्लासिफाई किया। तो आई होप आप लोगों को स्टीम टर्बाइन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा और क्लासिफिकेशन ऑफ जो स्टीम टर्बाइन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पर हम प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।